राजेश ओरान ने वीर भूमि को वीर भूमि कर दिया है। राजेश ओरान ने देश के लिए अपना प्राण दिया है। राजेश ओरान ने हमको एक नसीब दी है, नेशन ऑलवेज फर्स्ट। ये सपूत वीर भूमि का है जहां रविंद्रनाथ टैगोर कबीर गुरु ने शांति निकेतन की स्थापना की। 51 पीठ में से 5 पीठ यहां पर हैं। कितना रिच है कोल, सैंड, चाइना क्ले। यहां से कितने महापुरुष हुए हैं, नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन यहां के हैं, हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां की हैं। कोई जीवन का ऐसा दर्शन नहीं है जिसकी शुरुआत यहां से नहीं हो। राज्य सरकार ने जिस कॉलेज का नाम शहीद राजेश ओरान किया है, उसे कुछ दूरी पर ही संथाल मूवमेंट चालू हुआ था। ये वो जगह है जहां गीत गोविंदम लिखी गई थी। ये सब आपको भली भांति पता है। मैं कहूंगा आज के नवयुवकों से, राजेश ओरान को अपना मार्गदर्शक मानिए। देश के लिए निछावर होने वाला आदमी एक बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण हो सकता है। मैं अंत में एक बात कहूंगा, राज्य, प्रांत, देश और दुनिया कोविड की चपेट में है। कोविड ने किसी को नहीं बख्शा है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मेहरबानी करके मास्क का उपयोग कीजिए, मेहरबानी करके सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। इसमें कुछ भी कमी आप करेंगे, खुद को खतरे में डालेंगे, परिवार को खतरे में डालेंगे, प्रांत को और देश को खतरे में डालेंगे। समझदार लोग जब सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते हैं तो चिंता बड़ी हो जाती है। हमारे प्रांत में ही नहीं, देश में संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी बढ़ोतरी बहुत बड़ी चिंता का कारण है। आप ये ध्यान रखें और इस परिवार के लिए सदैव नतमस्तक रहेंगे। इस परिवार ने एक बेटा खोया है, इस परिवार ने एक भाई खोया है, इस समाज ने एक अच्छे योद्धा को खोया है, पर देश ने, देश के लोगों को एक प्रेरणा देने वाला व्यक्ति भी हो रहा है। ये मेरे को आपको कहना है, ये मेरा संदेश है।